नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न ठाकुर। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़े, विदेशी टी शर्ट पहन देश जोड़ने पर निकले हैं। अमित शाह ने कहा, भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मामला मानता है। गुटरेस ने कहा, गुजरात ATS DRI ने कोलकाता बंदरगाह से 200 करोड़ की हेरोइन पकड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को सऊदी अरब के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा होगी। पुलिस ने लापरवाही अभियान में मेघालय के पूर्व उग्रवादी नेता को मार गिराया। मूसेवाला हत्याकांड में 6 शार्प शूटर 2 अन्य सहयोगियों के साथ नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जयपुर के बीच देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे के अंतिम चरण का ट्रायल शुरू। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। BHP बजरंग दल ने दी गुरुग्राम में कुणाल कामरा के शो को बाधित करने की धमकी। विराट कोहली ने अरन फिंच को वनडे से संन्यास लेने पर दिया दिल छू लेने वाला संदेश। फैंस का दिल जीता, धन्यवाद।